हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? देखो, आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 9 हिंदी निबंध। इसमें हम पढ़ेंगे संस्कृति और सौंदर्य निबंध को। हमारा जो है ये बैच कंप्लीट होने वाला है। यूनिट 9 पर हमने एक नया बैच शुरू किया था, बिल्कुल ये फ्री जो है हमारा बैच था। तो इसमें हमने रोज एक एक निबंध पढ़ा था और साथ में एमसीक्यू भी सोल्व किए थे। तो उसे ही कंटिन्यू करते हुए आज हम निबंध पढ़ने वाले हैं संस्कृति और सौंदर्य। कल को जो है ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 9 हिंदी निबंध। ये पढ़ते कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर ये निबंध लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं, या जो इम्पोर्टेंट पंक्ति होती है। अगर निबंध बड़ा है तो मैं आपको इम्पोर्टेंट पंक्तियां बता देती हूँ। तो आज की हमारी क्लास है संस्कृति और सौंदर्य निबंध पर, जो की नामवर सिंह जी का है। और ये जो निबंध है यूजीसी नेट हिंदी के यूनिट 9 हिंदी निबंध में लगा हुआ है, इम्पोर्टेंट निबंध है। यदि आप अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं जिनके पाठ्यक्रम में संस्कृति और सौंदर्य निबंध है, तो आपके लिए ये वो क्लास बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो आप शुरू करेंगे अपनी क्लास। एक बार देख लेते हैं आपके कमेंट। गुड इवनिंग। ठीक है, तो अपनी अब क्लास शुरू करते हैं। काफी बच्चे क्लास में जुड़ गए हैं। जो बच्चे क्लास देख रहे हो, दर्शक बनकर मत देखना, हाथ में कॉपी पेन जरूर रखना। जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जो आपके क्वेश्चन गलत हो, उनको नोट कर लेना। और बाद में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी बनाए हैं, वे भी जो है उन्हें नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3, ताकि जब एमसीक्यू सोल्व करो तो आपको बाद में पता हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज के क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन करेंगे सोल्व, उसके बाद हम निबंध पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि दिनकर की मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है, तो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती। कोई बात नहीं निशा, आप देख लीजिए क्लास, कोई बात नहीं, आप किचन में है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1, और बताना है कौन से निबंध की पंक्ति है। संस्कृति और सौंदर्य, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखो, यदि आप क्लास में निबंध पढ़कर आए हो तो आपको पता होगा कि जो ये निबंध है इसमें काफी निबंधों की हमें बीच बीच में पंक्तियां मिलती है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। जी, आपने सही जवाब दिया, यही जी क्वेश्चन भी था। संस्कृति और सौंदर्य निबंध की पंक्ति है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक की है आपको बताना है, कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक की है, नामवर सिंह, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। ओके, बाकी बच्चे बताइए, जो जवाब दे रहे हो ये भी बता दीजिएगा किस रचना की पंक्ति है। ठीक है, राइटर तो आपको पता चली जाएगा आंसर में, यहाँ पर काफी बच्चों ने जवाब दे भी दिया है। साथ में ये भी कमेंट कर मुझे बताइए कि किस निबंध की ये पंक्ति है। इम्पोर्टेंट पंक्तियां आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो किस आलोचक की पंक्ति है या किस निबंध की पंक्ति है, तो हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। जी, जवाब आपने बिल्कुल सही दिया, 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी अशोक के फूल की ये पंक्ति है, निबंध भी याद रखेगा। अब आप कहोगे अशोक के फूल तो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगा है, लेकिन जब संस्कृति और सौंदर्य निबंध पढ़ते हैं तो उसमें काफी निबंधों का जिक्र है और उनकी इम्पोर्टेंट पंक्तियां भी वहां पर है, तो वे सब हमें देखनी होगी, क्योंकि जो ये निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ही आधारित निबंध है। तो इसलिए इस निबंध में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की काफी रचनाओं का आपको जिक्र मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और सच कहा जाए
तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है अशोक, क्या बिल्कुल शुद्ध है केवल मनुष्य की जिज्ञासा, ये पंक्ति भी है इसी में। बेटर एलोन, नमस्ते जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। ओके, 3 का ए जवाब आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है, नामवर सिंह जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4, सौंदर्य को परिभाषित करते हुए किसने कहा है, सौंदर्य को परिभाषित करते हुए, जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहां है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए, किसने कहा है सौंदर्य को परिभाषित करते हुए, नामवर सिंह जी ने, अज्ञे ने, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी है हम के नाम से, प्रणाम मैम, आज मेरा पहला लाइव क्लास है। ओके, आपका स्वागत है हमारी क्लास में, हिंदी विद रिचा चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। हमारी डेली शाम को जो है 7 बजे लाइव क्लास होती है। ओके, 4 का कोई 4 तो बता रहा है, कोई 1 बता रहा है, देख लेते हैं। जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उन्होंने सौंदर्य को परिभाषित करते हुए कहा है। आगे है पंक्ति, जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है, यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है, वह सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह, इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक की है, नामवर सिंह, आज्ञा, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। टेलीग्राम चैनल है हिंदी विद रीचा के नाम से है, मैं एक बार जो है लिंक भेज देती हूँ, इतने आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या जवाब होगा। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो क्या कहते हैं, आप अपने जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों को बिल्कुल सही दिख रहा है, मैंने भी यूट्यूब पर चलाया हुआ है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यहाँ पर जो है टेलीग्राम का लिंक मैंने जो है पिन कर दिया है, जिसे चाहिए था देख लीजिएगा, ओपन करोगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओगे जी। इसका जो जवाब हुआ 5 का, इसमें आप कंफ्यूज हो, कोई 1 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, ये है 1। देखो सौंदर्य को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, जो पीछे क्वेश्चन था ये जो परिभाषा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है, और जो ये डेफिनेशन है, ये कोटेशन है, ये नामवर सिंह जी ने दी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, चाहे तो एक जगह नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल, ये निबंध की जो है अंतिम पंक्ति है, किन्होंने बताया, ये दिग्विजय ने बताया, जो कि बिल्कुल सही बताया, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे चलेंगे, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के संबंध में सत्य कथन है, आपको बताना है इस निबंध के विषय में इन 5 में से क्या क्या पॉइंट सही है। यह निबंध दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है। बी पॉइंट है, यह निबंध मूलतः हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनाकार पर आधारित है। निबंध में द्विवेदी जी के संस्कृति एवं सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता का उद्घाटन किया है। डी पॉइंट है, सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। इस पंक्ति से निबंध का आरंभ होता है। दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1984 है, बताइएगा क्या जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके,
बाकी बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का, जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार नेट स्लो चलता है तो कुछ बच्चे पीछे होते हैं, तो वे पीछे वाले क्वेश्चन का जवाब दे रहे होते हैं। जी, जो इसका जवाब होगा वो होगा डी, ए बी सी। शुरू के तीनों पॉइंट सही है, निबंध का प्रारंभ इस पंक्ति से बिल्कुल भी नहीं होता है, पर ये इंपोर्टेंट पंक्ति है। और दूसरी परंपरा की खोज, निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्षन 1982, पीछे क्या लिखा था 1984, जो कि गलत है, सही है हमारा 1982। ठीक है, आगे चले गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन से निबंध दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है? देखो, संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में है, तो हमें पता होना चाहिए कि दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में और कौन कौन से निबंध है, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट है। ए अस्वीकार का एहसास, बी भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, सी जीवेम सर्दय सतम, डी व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, ई दिमाग खाली है। आपको बताना है इन 5 में से कौन कौन से निबंध दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है। 7 का जवाब दीजिए। ओके, बाकी बच्चे भी जो है जवाब दीजिए। क्लास में जो है 106 बच्चे हैं, और जवाब कितनों के आ रहे हैं, मुश्किल से मुझे लग रहा है 30-35 बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी जो है जवाब दीजिए, डरिए मत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जवाब गलत दोगे, लेकिन जो है जवाब जरूर दीजिए। अगर आप यहाँ पर ही नहीं दोगे तो फिर एग्जाम में आप ज्यादा पैनिक करोगे, प्रैक्टिस हम इसीलिए ही करते हैं कि हमारी हैबिट हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने की। जी ओके, कोई 7 का बी बता रहे हैं, ज्यादा तो बी ही बताया, कुछ बच्चों ने 3 भी बताया। ठीक है, देख लेते हैं, जवाब बिल्कुल आपका सही है, केवल ए बी डी, ए बी डी। मैंने आगे डिटेल रखी हुई है कौन से निबंध इसमें संकलित है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, और इस अध्याय का अनंत लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से है? संस्कृति और सौंदर्य, अशोक के फूल, विचार परवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 8। नहीं सॉरी रितु, दिमाग खाली है, जो उसमें संकलित नहीं है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, दिमाग खाली है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। देखो, हो सकता है कि हम यहाँ पर अशोक के फूल पढ़कर, यहाँ पर पंक्ति में अशोक के फूल आया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आया, तो अगर आपने निबंध पढ़ा है फिर तो आप फौरन पहचाने लोगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन निबंध नहीं पढ़ा है तो आप इसमें जो है अलग जाओगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध की तरफ जाओगे, जो कि गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर है संस्कृति और सौंदर्य, और इसी पंक्ति के साथ जो है निबंध की शुरुआत होती है, निबंध की जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति भी यही है। देखो, क्वेश्चन में मैंने आपसे निबंध की पहली पंक्ति भी पूछा और अंतिम पंक्ति भी पूछा है, और दोनों पंक्तियां जो है इंपोर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार किसने भारत को महामानव सागर कहा है? नामवर सिंह, आज्ञा, रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ, ये फंसाने वाला प्रश्न है, पीछे वाली जो पंक्तियां अशोक के फूल वाली, कि हम जो अशोक के फूल पढ़कर उधर ही जाएंगे, लेकिन वो पंक्ति किसकी है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध की। और देखो, मैं बताऊं, अभी तक जो संस्कृति और सौंदर्य निबंध से क्वेश्चन आया है ना, अभी तक पंक्तियां नहीं आई है एग्जाम में। क्या आया है? या तो ये आया है किस रचनाकार पर आधारित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विषय वस्तु आई है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आया है कि कौन सी रचना का उल्लेख नहीं है इस निबंध में, तो ये आया, अभी तक पंक्ति नहीं आई है, तो इस बार जो है पंक्ति आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक नहीं पूछी गई है एग्जाम में पंक्ति। ठीक है, तो पंक्तियां थोड़ी ध्यान से देख लीजिएगा इस निबंध की। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का जो जवाब दे रहे हो 3 दे रहे हो, बिल्कुल सही भी है, रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में
हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना का उल्लेख हुआ है? यहाँ पर पांच रचनाएं हैं, आपको बताना है इनमें से संस्कृति और सौंदर्य निबंध में किन किन रचना का उल्लेख हुआ है। ये पांचों रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। साहित्य कम, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आलोक पर्व। बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मैंने सारी रचनाएं आगे नोट कर कर रख दी है एक जगह कि इन इन रचनाओं का जिक्र हुआ है। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। ओके जी, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हो, इसका मतलब जो है आप अच्छे से निबंध पढ़ कर आए हो। जवाब होगा फोर ए बी सी, साहित्य कमरम, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 पर। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्न में से कौन सी रचना का उल्लेख हुआ है? देखो पीछे पूछा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन कौन सी रचना का उल्लेख हुआ है, यहाँ पर पूछा है कि इन जो यहाँ पर पांच रचनाएं हैं इनमें से कौन कौन सी रचना का उल्लेख हुआ है। सबसे ज्यादा जो उल्लेख हुआ है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं का हुआ है, पर बाकी रचनाओं का भी जिक्र है कुछ कुछ, तो आपको बताना है इन पांच में से किन किन रचनाओं का जिक्र है निबंध में। आज्ञा की स्मृति लेखा का, रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के चार अध्याय का, आज्ञा की रचना सर्जना और संदर्भ का, जयशंकर प्रसाद की रचना काव्य और कला और रहस्यवाद, रामधारी सिंह दिनकर की रचना हमारी सांस्कृतिक एकता। आपको बताना है इन पांच में से किन तीन जो रचना है उनका जिक्र हुआ है। यहाँ पर कोड आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में से बताइए सही जवाब क्या होगा। जी ओके, बाकी बच्चे भी बताएं। ओके, लगभग जो है सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब होगा हमारा सेकंड, ए बी डी। आज्ञा की स्मृति लेखा का जिक्र है, रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के चार अध्याय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रचना आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है यूनिट 10 में, तो इसकी जो भी पंक्ति निबंध में आई है उसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना या अपने नोट्स में लिख लेना, चांस ज्यादा है यहाँ से क्वेश्चन बनने के। ठीक है, फिर जयशंकर प्रसाद के दोनों निबंध का जिक्र है, काव्य और कला और रहस्यवाद। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसा तो नहीं है ना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्राहकता को नहीं। यहाँ पर ये लाइन मुझे लग रहा है रिपीट हुई है, संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर कर। ठीक है, लाइन पंक्ति सही है, कोई रिपीट नहीं हुआ। आपको बताना है कौन से निबंध से ये पंक्ति है, संस्कृति और सौंदर्य, अशोक के फूल, विचार परवाह, स्मृति लेखा। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। ओके, 12 का ए बता रहे हो आप लोग, सबने अभी तक जो है गलत ही जवाब दिया है, किसने भी सही जवाब नहीं आया। सही जवाब सही है, बच्चे भी बताओ एक बार ध्यान से पढ़ लो पंक्ति जब जवाब देना। सरिता, कामिनी ने भी सही जवाब दिया है, प्रतीक्षा ने, साधना भारद्वाज ने। ओके, इन्होंने जो है सही जवाब दिया है, इसका आंसर होगा स्मृति लेखा। ये पंक्तियां आज्ञा जी की इंपोर्टेंट है। ठीक है,
आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, घबराइए मत, आगे निबंध है कंप्लीट, जो जो पंक्ति यहाँ पर पूछी है आपको निबंध में दिखाऊंगी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अधिक आर्यतर संस्कृत साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता के चित्रित सांची भरूच आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक है। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीजें हैं, एक में तेज है, तीव्रता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है, कालिदास के काव्यों में आर्यतर। इंपोर्टेंट है, उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से है? संस्कृति और सौंदर्य, रहस्यवाद, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, स्मृति लेखा। हाँ ये बात सही कही अभिजीत ने, कोई बात नहीं, यहाँ पर गलत हो गया पर एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये यही तो करना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो बस एग्जाम में गलत ना हो। देखो ये बता देती हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, किन दोनों काव्यों की तुलना करने में जान पड़ा और बाद में ये पंक्ति दे दी कि दोनों दो चीजें हैं, तो याद रखिएगा महाभारत और कालिदास। इसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है, जवाब होगा हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध। किसका निबंध है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही निबंध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है, इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है, ज्ञान से या अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरव फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। आपको बताना है उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से है? संस्कृति और सौंदर्य, रहस्यवाद, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, स्मृति लेखा। आपको बताना है इन चार में से किस निबंध की पंक्ति है। आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अलग अलग निबंध की पंक्ति आ रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम एक ही निबंध की जो है पंक्तियां सॉल्व कर रहे हैं। आपने क्या लिखा है? शिपु ठाकुर मैम पढ़ा नहीं है, मैंने उनको भी इसमें ऐड किया है क्या? क्या पूछ रहे हो आप जी? इसका जो आंसर होगा, काफी बच्चे कंफ्यूज है, इसमें भी वन जवाब दे रहे हैं, कोई फोर जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब होगा रहस्यवाद, और रहस्यवाद किनका निबंध है? जयशंकर प्रसाद का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक श्रेष्ठता है। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक की है? आपको बताना है नामवर सिंह, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है इन चार में से किस आलोचक की ये पंक्ति है। थोड़ा कंफ्यूज भी है, बहुत सारे निबंध का जिक्र हुआ है। हाँ इस निबंध में बहुत सारे निबंध का जिक्र हुआ है, तो आपको करना क्या है, एक जगह नोट कर लेनी है सारी कोटेशन, ठीक है, विद राइटर और रचनाकार का, सॉरी रचनाकार और रचना के नाम के साथ में, तो उसे दो तीन बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने एक बार निबंध पढ़ा और पढ़कर छोड़ दिया कि हाँ मैं तो पता चल जाएगा, तो देखो ये निबंध ऐसा नहीं है, इसके आपको नोट्स जरूर बनाने पड़ेंगे, सारी पंक्ति एक जगह नोट करनी होगी, अलग अलग राइटर की जितनी भी पंक्तियां मुश्किल से दो पेज में आ जाएगी, ठीक है, और उनका बार बार रिवीजन करना, ये काम आपको इस निबंध के लिए करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए आप लोग। हाँ इसी चैप्टर में संस्कृति और सौंदर्य निबंध में ही आपको सारी पंक्तियां मिलेगी, कोई भी क्वेश्चन इस निबंध के बाहर से नहीं पूछा है, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो। अंजलि मैम अभी ज्वाइन किया, लेट हो गए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जो है आप बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, फिर हम चलेंगे निबंध की तरफ, निबंध को पढ़ना शुरू करेंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। चलते हैं अब अपने निबंध की तरफ, उससे पहले मैंने कुछ इंपोर्टेंट नोट्स है वे देख लीजिए, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के संबंध में ही है यह निबंध जो है, दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में है, आपको पता ही है। यह जो निबंध
हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनाकार पर आधारित है। ये निबंध तो है ही, साथ में जो ये दूसरी परंपरा की खोज इनका निबंध संग्रह, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ही आधारित है। ठीक है, फिर निबंध में द्विवेदी जी के संस्कृति और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता है। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1982। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा 19। फिर दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में कुल कितने निबंध है? 8 निबंध है, जिनके नाम इस प्रकार है। दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में 8 निबंध है, उनके नाम यहाँ पर ये रहे। दूसरी परंपरा की खोज, ब्राह्मण समाज में जो अछूत, अस्वीकार का साहस, प्रेमा कुमार्थो महान, भारतीय साहित्य के प्राण धारा और लोक धर्म, संस्कृति और सौंदर्य, तुम खलु कीर्ति, व्योमकेश शास्त्री उप हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये 8 निबंध है, इनके 8 के 8 निबंध के आपको नाम याद होने चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है। ये वाले निबंध संस्कृति और सौंदर्य तो हमें पता ही है कि इनका निबंध है, दूसरी परंपरा की खोज भी हमें पता है कि इनका निबंध है। ये वाला निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। किसका निबंध है? तो नामवर सिंह जी का निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी डाउट है क्लास के बाद में ले लेंगे, अभी इस पर फोकस करते हैं। ये चीजें क्लियर हुई, बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न रचनाओं का उल्लेख हुआ है। देखो, इतनी सारी रचनाओं का उल्लेख हुआ है निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। साहित्य का मरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ। ठीक है, साहित्य का मरम, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, और उसमें भी किस निबंध का? हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध। तो पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध निबंध किस निबंध संग्रह में है, तो याद रखिएगा विचार और वितर्क में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को काया कुलदीप, अशोक के फूल, प्राचीन भारत का कला विकास। निबंध जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो प्राचीन भारत का कला विकास है, उसका बाद में नाम बदल दिया था, जो परिवर्तित नाम था वो था प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, आजकल कुछ भी पूछा जाने लगा है निबंध में से। ठीक है, मेघदूत एक पुरानी कहानी, विचार प्रवाह, इसमें भी जनता का अंत्य स्पंदन निबंध संकलित है, विचार प्रवाह में इसका जिक्र हुआ है निबंध में। परंपरा और आधुनिकता, लालित्य मीमांसा, लालित्य मीमांसा के बारे में कहते हैं, वे लिख रहे थे लेकिन केवल 5 ही निबंध इसमें पूरे हो पाए, लालित्य मीमांसा। कालिदास की लालित्य योजना, यह तो सब निबंध की बात है। और एक जगह जो है इन चारों उपन्यास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हम जानते हैं 4 ही उपन्यास है, इन 4 के 4 उपन्यास का जो है जिक्र हुआ है निबंध में। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। 6 दिन से निबंध पढ़ रहे हैं, ये वाले सारे डाउट क्लियर है, आगे एनटीए की गलती होगी कुछ और पूछे तो। ठीक है, तो ये जो है एक जगह इन दोनों की जो है ऐसा नहीं है मैंने पढ़ा दिया और क्लास खत्म हुई फिर अपने अपने घर लौट गए। ठीक है, इनके जो है नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में मैं हमेशा बोलती हूँ कोई क्लास काम नहीं आएगी, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं का रिवीजन होगा। कल फिर एग्जाम टाइम में 5-6 दिन रह जाए और देखो कि चलो एक बार क्लास देख लेते हैं, मैम ने उस क्लास में बताया था, ऐसा काम मत करना भाई, इनके नोट्स बना लेना। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई, ये बताओ ये वाली स्लाइड, एक स्लाइड और दो, यहाँ पर ये दोनों चीजें क्लियर हुई, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी। देखो ऐसा नहीं होता, अच्छे से जो है पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि निबंध भूल जाएगा इस निबंध को पढ़ने के बाद, सभी निबंध भाई इसके जो है नोट्स आपको अच्छे से बनाने होंगे,
तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर हुई है दोनों चीजें? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आजकल जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि क्या संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास का जिक्र हुआ है? ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बना देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बेटर अलोन कि नोट्स तो बनाए, अगर कुछ गलत जो उसमें नहीं है वो ऐड कर लेना। यही तो होता है, आपको कोई नई चीज मिली आज की क्लास में, आपने पहले नोट्स बना रखे थे उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो आप लोगों की ये चीजें क्लियर हुई। आप चले गए निबंध की तरफ। संस्कृति और सौंदर्य लेखक है नामवर सिंह। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगी। पहले तो हमें यही पता होनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ निबंध हो, नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, कोई भी हो, पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति हमें हमेशा पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार कई रचनाओं की पहली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस निबंध की भी पहली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपोर्टेंट लाइन है, पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है, सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल आए हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल आया है, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह है। मतलब भले ही कितने निबंध आ चुके हो फूलों के ऊपर, लेकिन जो अशोक के फूल की जगह है वो अपनी ही है। क्या आपका कंफ्यूजन क्या है किसी? ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ, देखो किसी का कोई डाउट है क्लास के बाद में 5 मिनट मिलेगी उसमें पूछ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि भारत को महामानव सागर किसने कहा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। एक अरसे से यह बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है, किंतु यही संदेश जब अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। कह रहे हैं कि ये बात जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर बता रहे थे, लेकिन जब यही बात जो है अशोक के फूल निबंध के माध्यम से आई तो उसकी बात अलग ही थी। अशोक के फूल के ये दो वाक्य काफी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक के फूल, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ विशुद्ध है। इंपॉर्टेंट है, किस निबंध की पंक्ति है? अशोक के फूल की। देखो सबसे पहले ये वाली पंक्ति नोट कर लेना, ठीक है, उसके बाद ये वाली पंक्ति नोट करना, उसके बाद जो है अलग से जो है एक पेज बना लेना जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं ही हो, ठीक है, उसपे ऊपर लिख देना हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पंक्ति संस्कृति और सौंदर्य निबंध से, ठीक है। उसमें क्या करना, सबसे पहले ये पंक्ति लिखना, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ विशुद्ध है, और ब्रैकेट में लिख देना अशोक के फूल, क्योंकि ऊपर तो आपने हेडिंग डाल ही दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आपको पता चल जाएगा, रचना लिख लेना अशोक के फूल, ठीक है। और एक तरफ जो नोट्स बनाना, 3 पेज में इसके नोट्स बनेंगे, एक तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पंक्ति, एक तरफ अन्य रचनाकारों की महत्वपूर्ण पंक्ति संस्कृति और सौंदर्य निबंध से, और एक तरफ लगाना, एक पेज पर लिखना संस्कृति और सौंदर्य निबंध की महत्वपूर्ण पंक्ति, ठीक है। तो 3 तरह से आपको बनाना पड़ेगा, एक तरफ तो संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो इसके राइटर है नामवर सिंह, ठीक है, उन्होंने भी उनकी भी कुछ इम्पोर्टेंट पंक्ति है भाई, उन्होंने तो निबंध ही लिखा है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख पंक्ति और अन्य रचनाकारों की महत्वपूर्ण पंक्ति, इस तरह आपको इसके नोट्स बनाने होंगे। और सच कहा जाए तो, जैसे ये वाली पंक्ति है, और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है,
प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं, यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। तो ये किसकी पंक्ति है? नामवर सिंह जी की पंक्ति है। ठीक है, तो इस तरह आपको करने होंगे, नोट्स बनाने होंगे। समझ में आया कैसे नोट्स बनाने हैं? इंपोर्टेंट पंक्तियां। आगे चलते हैं। आगे फिर दिनकर जी ने तो संस्कृत के चार अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। तो यहाँ पर भी दिनकर जी की जो है संस्कृति के चार अध्याय रचना का जिक्र है, किंतु जैसा कि अज्ञेय ने लिखा है, अज्ञेय ने लिखा है, ठीक है, ये किसकी कोटेशन है? अज्ञेय की। काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, जो मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन में भी पूछा था। काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्राहकता को नहीं। इंपोर्टेंट है, यहाँ तक ज्यादा इंपोर्टेंट है। किस रचना की बात है? स्मृति लेखा, पेज नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपने फोन की, ठीक है दिनकर? बाकी सबको क्लियर दिख रहा है? मैंने भी यूट्यूब पर क्लास ओपन की हुई है, मुझे भी क्लियर दिख रहा है। जिसको कलर दिखाई दे रहा है, पीडीएफ बिल्कुल क्लियर है, आपने क्वालिटी लो की हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हुई अज्ञेय की पंक्ति, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे, फिर उसके बाद द्विवेदी जी की दो पंक्तियां है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ एवरी शुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। इंपोर्टेंट पंक्ति है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। उसके बाद जो पंक्ति इंपोर्टेंट है वो है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति, अशोक के फूल निबंध की। लिखते हैं, अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं, वे कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती भांति यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों ने मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इंपोर्टेंट पंक्ति है, और किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, अशोक के फूल निबंध की। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर अज्ञेय की एक रचना का उल्लेख है। अज्ञेय द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यान माला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामासिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञान परविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान अनायास और चिर परिचित है, और इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, भारतीय परंपरा के मूल स्वर, ठीक है, ये पूरी लाइन जो है इसको नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का जिक्र है, साहित्य का मरम, समय दिया है इन्होंने 1948। आगे फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना के उपसंहार में उन्होंने लिखा है, ये कोटेशन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यानी HPD शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ में आ जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन सी रचना की है? हिंदी साहित्य की भूमिका रचना की है पंक्ति, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे फिर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना का जिक्र है, काव्य और कला और रहस्यवाद। लिखते हैं कि काव्य और कला निबंध का आरंभ भी इस प्रकार होता है कि भारतीय वाङ्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत श्रेष्ठता में आजकल अमुक वस्तु यह भारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है
किस निबंध का आरंभ इस प्रकार होता है? तो याद रखिएगा काव्य और कला निबंध का, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर रहस्यवाद, प्रसाद के यहाँ पर रचना, वो सॉरी निबंध है रहस्यवाद, प्रसाद के जो है यहाँ पर काव्य और कला, इम्पोर्टेंट है, काव्य और कला रहस्यवाद दोनों का जिक्र हुआ है। ओके ठीक है, आपके 11 क्वेश्चन सही हुए थे मीनाक्षी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है विचार और वितर्क, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। विचार और वितर्क में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो ये कि को हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पर दो निबंध का जिक्र हुआ है, यानी ये दोनों भी आपको नोट करने होंगे, विचार और वितर्क हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध निबंध किस निबंध संग्रह में है, तो याद रखिएगा विचार और वितर्क। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, ये पंक्ति दे देगा और एग्जाम में पूछ लेंगे किस निबंध की है, तो याद रखिएगा हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध। और मान लीजिए ऑप्शन में आपको नहीं मिलता हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, तो फिर ऑप्शन में आपको मिलेगा विचार और वितर्क, ठीक है? तो उस पर मार्क कर कर आइएगा। ये पंक्तियां मैं आपसे पीछे क्वेश्चन के माध्यम से भी पूछ चुकी हूँ, इम्पोर्टेंट पंक्ति है। आगे चलेंगे, फिर यहाँ पर प्रसाद के रहस्यवाद निबंध की ये पंक्तियां आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीय उचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। इम्पोर्टेंट है रहस्यवाद निबंध की पंक्तियां प्रसाद की। उसके बाद फिर प्रसाद ने ही कहा है, संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है, ठीक है? प्रसाद की दो पंक्तियां हुई, एक तो ये रहस्यवाद निबंध की यहाँ पर पंक्ति हुई और एक ये हुई प्रसाद की। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर द्विवेदी जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य की भूमिका रचना को लेकर, हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कला विकास 1940 नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर परिवर्तित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से छपी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन भारत का कला विकास नामक पुस्तक का परिवर्तित नाम क्या था, तो वो था प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठीक है? और इसी रचना में कलात्मक विनोद वाली, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में यह लिखा है, इंपोर्टेंट पंक्ति है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किस रचना की है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद की, नेट की जो वो रहती है, क्या कहते हैं, पात्रता, मतलब जो है वैलिड कितने दिन तक रहता है, लाइफ टाइम के लिए रहता है नेट, ठीक है? आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर मैं आपको बता रही थी हजारी प्रसाद द्विवेदी के चारों निबंधों, सॉरी चार निबंध बोल रही हूँ, चारों उपन्यासों का भी है जिक्र, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथ। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर निबंध है मेघदूत एक पुरानी कहानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। इस निबंध की भी एक पंक्ति यहाँ पर रखी हुई है एचपीडी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये पंक्ति है। फिर यहाँ पर जो है विचार प्रवाह, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। जनता का अंतःस्पंदन लेख किसमें छपा था? विचार प्रवाह निबंध संग्रह में। निबंध इस चिंता से आरंभ होता है, कौन सा निबंध? ये वाला निबंध, जनता का अंतःस्पंदन। कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रस गढ़ाई का संवेदना उत्पन्न हो, वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखे, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखे, सुंदर को पहचानना सीखे। इंपोर्टेंट पंक्ति है किसकी है? एचपीडी की। देखो यहाँ पर जो है मैं आपको निबंध की जो इंपोर्टेंट पंक्ति है वे बता रही हूँ। आगे चलते हैं, आगे फिर जो है अंतिम दिनों में लिखित, अंतिम दिनों में उन्होंने एक लेख लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, परंपरा और आधुनिक का लेख में भी कहते हैं। तो ये पंक्ति भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध की है? परंपरा और आधुनिक का लेख की है। फिर यहाँ पर देखो भी लिख रहे थे
अंतिम दिनों में वे सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके, मतलब जो है वे अंतिम दिनों में एक लालित्य मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके, किसको पहले उन्होंने जो है लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो रचना पूरी की वो की कालिदास की लालित्य योजना, किस पर है, उनके प्रिय कवि कालिदास पर, उसको पूरी कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, लालित्य मीमांसा जब पूरी कर रहे थे, दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल 5 ही निबंध पूरे हुए। तो आपसे पूछा जा सकता है लालित्य मीमांसा नामक रचना के कितने निबंध पूरे हुए, 5 ही निबंध पूरे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई। देखो अब आजकल जैसे क्वेश्चन बनने लगे हैं ना निबंध से, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें हर तरह से क्या रहना। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इंपोर्टेंट पंक्ति है। इस प्रयास का जो पहला सूत्र है, वे सौंदर्य का सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। किनकी में, एच हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि वे सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा सूत्र है, द्विवेदी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह बंधन के विरुद्ध विद्रोह है और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है। पहला सूत्र क्या है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, लालित्य मीमांसा की यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा क्या है कि वे बंधन के विरुद्ध विद्रोह और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है। तीसरा जो सूत्र है, द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र यह है कि सौंदर्य एक सृजना है। ठीक है, क्लियर हुए, तीन सूत्र का यहाँ पर जिक्र है लालित्य मीमांसा के। उसके बाद उन्हीं के शब्दों में, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही शब्दों में, भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में, बहुधा अभिव्यक्ति, मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलासी वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। इंपोर्टेंट, फिर यहाँ पर निबंध की आखिरी पंक्ति है, और ये किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति है नामवर सिंह जी की, जो आपसे पीछे क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूछ चुकी हूँ। ये निबंध की जो है अंतिम पंक्ति भी है। ठीक है, तो ये चीज अब क्लियर हुई, मतलब मैंने जो निबंध है, देखो पूरा निबंध लाइन बाय लाइन पढ़ना, ये निबंध थोड़ा बड़ा है और समझा जाने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि एक क्लास में आपको जितना इम्पोर्टेंट मैं दे सकती हूँ वो मैंने दिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक जानकारी, उसके बाद यहाँ पर जो है किन निबंधों का जिक्र है वो आपको बता दिया, उसके बाद जो भी निबंध में जितनी इम्पोर्टेंट पंक्ति है वो सब यहाँ पर है, जहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है वे सब चीजें मैंने हाईलाइट की हुई है। पहले मीना जी आप कब जुड़ी हो क्लास में, पहले तो मुझे ये बताइए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और जो समझ में नहीं आया है वो पूछ लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारी यूनिट चल रही है हिंदी निबंध वाली, ये यूनिट हमारी कल, सॉरी परसों कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन किसी कारणवश बाद की 2 क्लास हमारी रह गई थी, तो ये क्लास हमने आज कर ली। उठ जाओ मुसाफिर, हम कल को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यानी कल हमारी यूनिट 9 हिंदी निबंध कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको यूनिट 8 हिंदी नाटक बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा चुकी हूँ। यदि आपको ये क्लास देखनी है, ये बिल्कुल फ्री है, आपको करना क्या है, हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाओगे तो आपको ये दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूनिट 9 हिंदी निबंध की बात करूं, यदि आप इस पर क्लिक करोगे प्लेलिस्ट पर, तो आपको देखो सारी क्लास यहाँ पर अवेलेबल है, सभी निबंध की आपको एक जगह मिल जाएगी। इसी तरह आपको हिंदी नाटक की भी सभी क्लास मिल जाएगी। नाटक भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया और हिंदी निबंध भी, और जल्दी हम जो है हिंदी उपन्यास वाली यूनिट शुरू करेंगे। देखो कल जो है 7 बजे हमारा उठ जाग मुसाफिर निबंध आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है परसों को क्या करेंगे, तो परसों को मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी, टॉपिक नहीं बताऊंगी, टॉपिक मैं देखना चाहती हूँ कि दिसंबर में एग्जाम है तो आपकी कितनी तैयारी है, तो आपको जो है
सरप्राइज मान लीजिए, सरप्राइज आपका टेस्ट होगा बुधवार को, आज से सोमवार है ना, बुधवार को शाम को 7 बजे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़ कर आइएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है 7 बजे जो फ्री रहेगा हम, तो 7 बजे हम क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। पूजा मैम, आज मैंने फर्स्ट टाइम जो है क्लास लिया है, धन्यवाद आपको। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये बता दीजिएगा, क्वेश्चन में एक बार देख लेती हूँ किसके कितने सही हुए हैं। सही कह रहे हो दुबे कि नामवर सिंह जी को इसलिए निबंध नहीं निबंध संग्रह कहना चाहिए था। और एक चीज, हमारी जो है मैराथन क्लास चल रही है कल हिंदी कविता पर थी, आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है इस क्लास पर। अगले संडे को यानी 15 अक्टूबर को हिंदी निबंध पर हमारी मैराथन क्लास होगी, 22 अक्टूबर को हिंदी उपन्यास पर हमारी मैराथन क्लास है, और 29 अक्टूबर को हिंदी कहानी पर, ठीक है। ये अक्टूबर का शेड्यूल है, नवम्बर का मैं नवम्बर में ही आपको बता दूंगी। नवंबर में मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, 10 की 10 यूनिट पर आपकी मैराथन क्लास होगी, तो अच्छे से जो है अपनी यूनिट पढ़कर आइएगा। मैम आप तो क्वेश्चन पेपर ही दे देते तो अच्छा होता, बस ऐसा हो कि जो ये क्वेश्चन मैं बना रही हूँ इनमें से ही आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। हेमा दुबे के 12 क्वेश्चन सही है 15 में से, नेट जेआरएफ के 13, दुबे के 12, दिग्विजय के 13, जो फर्स्ट में बताया क्या बताया भी नहीं था, एक बार बता दीजिए वो मैं आपको दोबारा बता दूंगी। परमेश्वरी के 13 क्वेश्चन सही है, रामवती के 10, हाँ खत्म हो गया, नंदिता के 13 है, सुमित के 12, निठू के 12, संजना पटेल के 15, वाह क्या बात है संजना, जला के 11, अभिजीत के 11, क्वेश्चन अबाउट के 12। गीता देवी मैम नेट की पात्रता कितने टाइम तक है? देखो जेआरएफ की 3 साल तक रहती है और नेट की जो है हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहती है। उत्तराखंडी के 10, पीडीएफ अब तक भेजे हैं तो अब भी भेज दूंगी, 3 निबंध के पीडीएफ बाकी है, जो अभी बाद के 3 निबंध मैंने पढ़ाए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आज नहीं तो कल, मतलब कल को तो मैं दे ही दूंगी, प्रयास करूंगी आज ही दे दूं। बैटन और फ्रेंड्स मैम धन्यवाद आपका भी, आपकी क्लास में आए। भगवती के 11 सही है, साधना के 14, प्रिया लाइफ टाइम लाइफ लाइन के 7, गरिमा के 13, रुचि यादव के 10, प्रतीक्षा के 12, लवली कुमारी के 12। ओके मैम थोड़ा बीपी लो होगा लेकिन हम लेंगे क्लास, वाह क्या बात है। बुधवार को आपको शाम को 7 बजे जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैम आज मैं लेट आई थी इसलिए कुल रह गए 6 में से 5 सही हुए, कोई बात नहीं बाद में सॉल्व कर ले। मैम आप इस तरह लाइव किस ऐप से करते हो, मतलब यूट्यूब चैनल में लाइव करते हैं? कामिनी के 14 सही है, ओके, 12 कल्पना के सही है, सीमा आज अच्छा स्कोर नहीं है, ये तो बताइए कितना था। मोनसा के 12, बैटर अलोन के 8, धमेश्वर के 14, सरिता के 11, सुशील कुमार यादव के 12। मैम टेस्ट कैसे होता है, कैसे होता है क्या, मैं यहाँ पर ही क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, उसमें क्वेश्चन देखो ये वाले, आप शायद देर में आए हो क्लास में, तो देखो मैंने इस क्लास में भी शुरू में जो है आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, इस तरह होता है। जो निबंध इसमें सम्मिलित है वे बताए आपने, ओके ठीक है, एक बार दोबारा मैं बता दूंगी, ये वाली कह रहे हो ना आप, अभी बता दूंगी, एक बार इनके कमेंट कर लू। गरिमा के 13 सही है। मैम कविता क्या है, मैंने पीडीएफ भेजी हुई है टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। सुमित कुमार, अभिषेक के 11। मैम कब लाइव क्लास होती है, डेली क्लास होती है शाम को 7 बजे। प्रतीक्षा वो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगी कब होगी। चंदा के 10। मैम उपन्यास की शुरुआत कब से करेगी, बुधवार से। हाँ रितु तो कोई नहीं आप चले जाओ, क्लास को खत्म ही हो गई है।
कितना है ऋतिक वर्मा स्कोर बताइए। लो है, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था जो संस्कृति और सौंदर्य निबंध है। 1 मिनट में इसको इरेजर कर देती हूँ तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि संस्कृति और जो सौंदर्य निबंध है हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन से निबंध संग्रह में है? ये दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है। और दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में कुल 8 निबंध है, ठीक है। उन 8 के 8 के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पेपर में क्या होता है, यदि देखो जैसे आपके एग्जाम में संस्कृति और सौंदर्य निबंध है और कौन से निबंध संग्रह में है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, दूसरी परंपरा की खोज में है। तो हमें क्या होता है पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में कौन कौन से निबंध है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 8 निबंध है जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चन में भी पूछा था, ठीक है। मुझे लगता है आपने PYQ नहीं देखे इसीलिए आपको कंफ्यूजन हुआ है। विनीता, विनीता था ना शायद जिन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन, बताइए ये डाउट अब क्लियर हुआ या नहीं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। बुधवार को मैम PYQ कराओगी आप? बिल्कुल, शाम को 7 बजे आपकी देखो डेली क्लास होनी है। और जो मैं उपन्यास वाली क्लास लूंगी वो लूंगी मैं दिन में 4 बजे, वो रिकॉर्डिंग क्लास होगी उपन्यास की, मतलब मैं पहले दिन रिकॉर्ड करके क्लास अपलोड कर दूंगी, वो लाइव क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो शाम को जो है 7 बजे हम डेली, मतलब कभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे कभी MCQ सॉल्व करेंगे, क्लास तो हमारी डेली होनी है शाम को 7 बजे। कोई बात नहीं मोहन सर, गरिमा यादव क्या पूछ रहे हो आप गरिमा? अच्छा वो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगी। गरिमा दीदी आप डेली क्लास लगाओ, तो बताया तो है शाम को 7 बजे डेली क्लास होगी, रोज होगी, 7 के 7 दिन होगी। वो बात अलग है भाई, किसी दिन जाना पड़ जाता है बाहर या कोई मतलब मजबूरी आ जाती है, वैसे डेली ही होगी आपकी क्लास। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि ये निबंध को आधार बनाया गया है। हाँ पता है नवंबर में आपकी 10 की 10 यूनिट पर मैराथन क्लास होगी, तो पूजा उसमें आपको काफी मैटर मिल जाएगा यूनिट 3 और 4 का भी, ठीक है। आप क्लास को बंद करते हैं, किसी का कोई डाउट है तो मुझे जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी बिल्कुल जरूर बता दीजिएगा, आपके कमेंट आते हैं मैं उनको पढ़ती भी, और मुझे अच्छा भी लगता है जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हो, आपको क्लास अच्छी लगती है, ठीक है। मैटर के लिए काफी अच्छे कमेंट आते हैं कि मैम आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए काफी मेहनत भी होती है। लेकिन जब आप लोग एक मैसेज कर देते हो कि मैम आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो बड़ी खुशी होती है। तो आपका कोई सुधार है या कोई सुझाव है तो दोनों मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई डाउट है? नहीं ये निबंध द्विवेदी जी के नहीं है विनीता, ये दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज किन का निबंध है? नामवर सिंह जी का निबंध है। तो ये निबंध सभी जो है नामवर सिंह जी के है, ठीक है। जो दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में 8 निबंध है ना वे। और जो आप अगली स्लाइड की बात कर रहे हो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो ऊपर लिखा हुआ है वे सब निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के है, ठीक है विनीता। ठीक है, और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा। क्लास की PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हिंदी विद नीचा हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। PDF के लिए कमेंट मत कीजिएगा, मतलब कि मैम हमको PDF भेज दो। PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, एक ही जगह मिलती है, सबको पर्सनल जो है PDF भेजना पॉसिबल नहीं है, वो आप लोग भी अच्छे से समझते हो बात को, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। हाँ यदि कोई टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहा है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको लिंक भेज दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। YouTube चैनल आपको पता ही है, इसी चैनल पर हमारी जो है क्लास हो रही है, और इसी चैनल पर हमारी डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, तो आप लोग क्लास में जरूर आइएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, आपको लगता है कि आने वाले एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत यूजफुल है, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।